नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विज्ञान की पढ़ाई में बिहार के बच्चे देश भर में अव्वल। होली पर अश्लील गीत बजाना पड़ सकता है महंगा। बीजेपी के हंगामे को लेकर विधानसभा 2 बजे तक हुआ था स्थगित। मनोज वाजपेयी ने ऋतिक रोशन को लेकर किया ये खुलासा। टीम इंडिया के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने की शादी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विज्ञान की पढ़ाई में बिहार के बच्चे देश भर में है अव्वल। बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यह तो कई बार साबित हो चुका है। वहीं अब एक बार फिर बिहार के बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि वे विज्ञान में भी देश के दूसरे राज्यों के बच्चों से पीछे नहीं है। दरअसल NCERT के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि बिहार के बच्चे विज्ञान नवाचार में बाकी बच्चों से काफी अव्वल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष यानी कि 2022 में बिहार से कुल 9,765 बाल वैज्ञानिक बने हैं, जो कि देश में बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस आंकड़े में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार के 9,765 बच्चों में 6,543 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा 2022 में बिहार के 4,000 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं, जिन्हें नवाचार के लिए मंत्रालय की ओर से 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में भी दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट बनाने और उसके विकास के मामले पर की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट स्थापित करने और उसके विकास को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आसपास जितने भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए वैसे अधिकारी सहयोग करेंगे जो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से संबंधित हो। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा इस मामले से जुड़ी कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक तलब किया गया है। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट के द्वारा 4 सप्ताह बाद की जाएगी। बीजेपी के हंगामे को लेकर विधानसभा 2 बजे तक हुआ था स्थगित। बीते दिन से बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, वहीं आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में आज के सत्र में बीजेपी के द्वारा राज्य सरकार को घेरते हुए बिहार में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं दूसरी ओर विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक के द्वारा मनरेगा फंड में कटौती का भी मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा बीजेपी की ओर से सेना का अपमान और मुजफ्फरपुर कांड को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया और कहा गया कि जब तक सरकार हत्या के आरोपी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर देती वे सदन को नहीं चलने देंगे। वहीं बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। होली पर अश्लील गीत बजाना पड़ सकता है महंगा। कुछ दिनों पहले ही होली को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि होली पर अश्लील गाना गाने या बजाने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब होली के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई। उन्होंने कहा है कि होली के मौके पर सार्वजनिक तौर पर अश्लील गीत बजाने की मनाही रहेगी, इसलिए इस मौके पर उन सभी संदिग्ध स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहां से इस तरह की खबर सुनने को मिल सकती है और उन स्थलों पर मुकम्मल पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार होली और सबे बारात एक ही दिन है, जिस वजह से पटना पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मनोज वाजपेयी ने ऋतिक रोशन को लेकर किया ये खुलासा। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मनोज वाजपेयी ने ऋतिक रोशन को लेकर एक खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने यह खुलासा द बॉम्बे जर्नी एक्स संडे ब्रंच में किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उस समय तक वास्तव में डांस करना बहुत पसंद था जब तक उन्होंने ऋतिक रोशन को डांस करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि उस दौरान तक मैं भी सोचता था कि मैं पर्दे पर एक डांसर के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन जब मैंने ऋतिक रोशन को पर्दे पर डांस करते देखा तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि अब डांस का ख्वाब देखना बंद, क्योंकि अब मैं ऋतिक रोशन की तरह डांस नहीं सीख सकता। मालूम हो कि मनोज वाजपेयी प्रशिक्षित छऊ डांसर है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह थिएटर से है, इसलिए वहां कहा जाता था कि कलाकारों को गाना सीखना चाहिए, इसलिए मैं गाने के साथ डांस भी करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्द ही मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर रिलीज होने वाली है।
राज्य में स्थापित होंगे 11 मेडिकल कॉलेज। बहुत जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा बिहार में 11 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज जो कि पूर्णिया में बनाया जा रहा है, जिसमें MBBS पढ़ाई की शुरुआत इसी वर्ष शुरू हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अन्य 10 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जिन स्थानों पर शुरू किया जा चुका है, उनमें सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली और भोजपुर शामिल है। इसके अलावा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधार भू संरचना विकास किया जाए, इसके लिए 1,754.99 करोड़ रुपए की लागत से 243 विधानसभा क्षेत्र में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,397 स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। लोगों की शिकायतों को दूर नहीं करने पर 72 अफसरों को देना पड़ा जुर्माना। बिहार की राजधानी पटना के 72 अफसर ऐसे हैं जिन्हें लोगों की शिकायतों को दूर नहीं करने को लेकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जुर्माना देना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिनियम के तहत पिछले एक साल से काफी अधिक तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे अधिक DM के द्वारा उन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है जो जिले में राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करते हैं। मालूम हो कि हाल ही में लोक शिकायत न्यायालय में लोगों की शिकायतों को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त और DM के द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से जुर्माने की राशि काट ली गई है, जिससे अब तक कुल 25 लाख रुपए जुर्माने के रूप में अधिकारियों से वसूले जा चुके हैं। वहीं ऐसे मामलों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में राज्य में 800 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। होमगार्ड से हटाए गए IG विकास वैभव। कुछ दिनों पहले DG शोभा अहोतकर और IG विकास वैभव के बीच एक विवाद हो गया था, जिसके बाद IG विकास वैभव के द्वारा अनुरोध किया गया था कि उन्हें उनकी पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को शोभा अहोतकर से खतरा है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीते दिन राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा संज्ञान लेते हुए एक अधिसूचना जारी किया गया और 2003 बैच के IPS अधिकारी IG विकास वैभव और 2009 बैच के IPS अधिकारी DIG विनोद कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। मालूम हो कि पद से हटाने के बाद उन्हें फिलहाल पुलिस मुख्यालय बुलाया लिया गया है और वेटिंग फॉर पोस्टिंग पर रखा गया है। पटना गया डोभी फोर लेन का निर्माण कार्य इस दिन तक होगा पूरा। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के जस्टिस CS सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के द्वारा पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य संबंधित मामले को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा हाईवे का निर्माण कर रही कंपनियों से सवाल पूछा और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से NHAI और अन्य संबंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईवे के निर्माण में लगी कंपनियों के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का पहला फेज 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। वह इस हाईवे का पूरा निर्माण लगभग 20 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 3 अप्रैल 2023 को की जाएगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू राबड़ी समेत 16 के खिलाफ कोर्ट का समन। बीते दिन दिल्ली के एक अदालत की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अन्य 14 लोगों के खिलाफ समन तलब कर इन सभी आरोपितों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह अपराध किया गया है। इसी को देखते हुए कोर्ट के द्वारा यह संज्ञान लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वर्ष 2004 और 2009 का मामला है, जिस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे। उस दौरान लालू यादव और उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से जुड़ा है। हत्या मामले को लेकर खुद पर लग रहे आरोप पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने दी सफाई। बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी दलों के द्वारा सदन में इस बात पर जमकर हंगामा किया गया कि बिहार सरकार आरोपी मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी आरोप के साथ विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री इसराइल मंसूरी को अपने केबिन में बुलाया और जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री इसराइल मंसूरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरा उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। उस हत्या के मामले में शामिल अपराधियों को पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर ही हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 फरवरी को मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर स्टेशन के गेट के पास राहुल कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर BJP का कहना है कि यह हत्या मंत्री इसराइल मंसूरी के द्वारा कराई गई है।
आज से उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ यात्रा की हुई शुरुआत। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख और पूर्व कैबिनेट मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आज से चंपारण के भीतीहरवा गांधी आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 20 मार्च 2023 को शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक कुर्था में समाप्त होगी। बता दें कि यात्रा शुरू करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले बा और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोगों को संबोधित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की यह विरासत बचाओ नमन यात्रा राज्य के 28 जिलों में होते हुए दर्जन से अधिक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर जाएगी, जहां वे सभी महापुरुषों को माल्यार्पण कर उन्हें सम्मान देंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा लगभग 100 से ज्यादा जनसभा को संबोधित करेंगे और छात्रों, युवाओं और बुद्धिजीवियों से विरासत बचाने का आह्वान करेंगे। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बीते दिन राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार के सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां के लोग सीधे नरेंद्र मोदी को वोट देने चले जाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने कभी बिहार में एक बैठक भी नहीं की है। आज के समय में बिहार के लोग सूरत जाते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सूरत में कई फैक्ट्री लगवाई है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के लोगों से ऐसा क्या पाप हो गया है कि उन्होंने बिहार में 2-3 फैक्ट्री भी लगवाना सही नहीं समझा, क्योंकि मोदी जी को पता है कि बिहार की जनता फैक्ट्री नहीं चाहती। यहां की जनता जाति धर्म के नशे में ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए अब आप सभी को धर्म जाति से ऊपर उठकर वोट करना है। आज हम आपके बीच इसलिए आए हैं ताकि आप सभी को जागरूक किया जा सके। आप सभी ये बातें खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जरूर सोचिए। टीम इंडिया के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने की शादी। बीते दिन यानी कि सोमवार को टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और मिताली पाडलुरकर एक दूसरे के साथ सात फेरे लेकर हमेशा के लिए गठबंधन में बन गए। बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने अपनी शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। मालूम हो कि शार्दुल ठाकुर और मिताली पाडलुरकर ने मुंबई में मराठी रीति रिवाज से शादी की है। वहीं इनकी शादी में मेहमान के रूप में टीम इंडिया के कई क्रिकेटर भी शामिल हुए, जिनमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल थे। इसके अलावा शादी में यजुवेंद्र चहल अपनी पत्नी धनश्री वर्मा के साथ पहुंचे। वहीं श्रेयस अय्यर ने शार्दुल ठाकुर की शादी में खूब जमकर नाचा। शार्दुल ठाकुर के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में दोनों साथ में बेहद ही अच्छे और डैशिंग लग रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, महमूद अंसारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रविशंकर, कविता कुमारी, मोहम्मद नौशद राजा, भान प्रकाश मौर्य, अभय कुमार सिन्हा अहमद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ यात्रा से महागठबंधन पर फर्क पड़ेगा या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।